कल की मूवी जो लोगों को धीरे धीरे बता रहे कि इसे बनाने में नाग अश्विन ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि अभी इसके बुज्जी कार का इंट्रोडक्शन वीडियो आया है जिसे रियल में बनाया गया है, जिसे देखे तो सामने दो बड़े बड़े चक्के हैं और पीछे एक, जो देखने में काफी यूनिक लगते हैं। और इसे अभी रिसेंटली हुए एंड में प्रभास ने खुद चलाकर लोगों को दिखाया है, वो भी कल्कि में जो कॉस्ट्यूम पहना था उसे पहनकर। मतलब मार्केटिंग किस लेवल की जा रही है आप देख ही सकते हो। लोगों से धीरे धीरे ही सही लेकिन मूवी अपना एक बॉन्ड बनाती जा रही है। इवन पहले भी फॉरेन कंट्रीज में इसका प्रमोशन किया गया है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट होती है स्विच बोर्ड जैसी दिखने वाली चीज से, जो शायद बुज्जी को स्टार्ट करती है। बुज्जी की दो आंखें भी हैं जो लोगों को स्कैन करती है और शायद इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब कार के अंदर अपना चलता फिरता दिमाग है जो प्रभास के कमांड देने पर अपनी स्पीड बढ़ाता भी है और कंट्रोल भी करता है। आगे दिखाया जाता है कि प्रभास किसी रेगिस्तान वाले जगह में जा रहे हैं जो शायद पृथ्वी नहीं आए, क्योंकि वहां लिखाया होता है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जहां वो कुछ मिशन के लिए जाएंगे या शायद कोई चीज होगी जिसे वहां से लाना है। जिसे लाना तो नामुमकिन सा है, लेकिन वो वहां जाएंगे और वहां जाते ही प्रभास की सूज की बैटरी खत्म हो जाएगी। मतलब कंडीशन ऐसा होगा कि बुज्जी खुद कहेगा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो और प्रभास को लौट जाने को भी कहेगा। फिर प्रभास का कैरेक्टर मानेगा नहीं और कैसे भी करके अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले सीन में उसकी खुशी जाहिर तौर पर दिखती है कि उसने अपना मिशन अचीव कर लिया। मे बी इसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई कि इस गाड़ी को रियल बनाया गया, हर जगह VFX या CGI का यूज करने की नहीं सोची, क्योंकि रियल चीजों की फीलिंग्स कुछ और ही होती है। वैसे इसमें प्रभास के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, कुछ डायलॉग्स ही सुनने को मिलते हैं जैसे बुज्जी, फुल स्पीड बुज्जी, लव यू बुज्जी। वैसे बीच बीच में भी कुछ बोलते हैं बट इनके बारे में उतना ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। अगर इनके कैरेक्टर के बारे में और बताया जाता तो अच्छा होता। वैसे देखते हैं कि इसका ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि यह ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। स्त्री की मेकर्स की ओर से मुंजिया का ट्रेलर आया है जो है 2 मिनट 18 सेकंड का, जिसमें हॉरर प्लस कॉमेडी का तड़का लगा है। मे बी इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिसे फैमिली के साथ सुनने में आपको बुरा लग सकता है, लाइक ये वाला, साला माधर नंदन। ट्रेलर में चिटोक वाली जगह के बारे में बताया जाता है जो कि श्रापित है, जहां मुंजा की अस्थियां गड़ी हुई है, जिसे मुक्ति न मिलने के कारण उसकी आत्मा उसी जगह भटक रही है और उसी कारण ही वो जगह श्रापित है। मुंजा किसी मुन्नी से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो टपक गया, लेकिन अब उसकी आत्मा उसे पाने के लिए पागल हो ही जा रही है। और मुन्नी को पाने के लिए चाहिए उसे अपने वंशज का शरीर जो इस बंदे का होता है। अब ये बंदा उस मुंजा से कैसे पीछा छुड़ाता है और आगे क्या होता है ये आपको मूवी में चलेगा। मूवी में शायद हॉरर से ज्यादा कॉमेडी पर फोकस किया जाएगा, जो कि ट्रेलर से भी कुछ वैसी ही वाइब्स आती है, क्योंकि आप मुंजे को देखें तो लाइक उतना डर नहीं लगता बट उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है। मुंजे को देखें तो उसे CGI द्वारा क्रिएट किया गया है बट उतना ज्यादा फील नहीं होता कि वो CGI है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि कई मूवीज में तो CGI का यूज करने के नाम पर हगा जाता है। बात करें अगर इसमें एक्टरों के बारे में तो इसमें से मैं तो एक ही को जानता हूं, वो है अपने कटप्पा मामा यानी सत्यराज जी, जो मूवी में भूत गाने वाले या तांत्रिक का रोल प्ले करेंगे। और इन्हीं के कारण ही इस मूवी को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बाकी एक्टर्स को मैंने पहली बार ही देखा है तो उनके बारे में और कुछ ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट देखते हैं कि 7 जून को ये मूवी क्या कमाल करती है।